हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। राधा रानी के चरण हमेशा क्यों ढके रहते हैं? माता राधा के चरण इतने पवित्र हैं कि यदि हमें उनके दर्शन मिल जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि उन्हें स्वयं उनके चरण कमलों के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए उनके पैर हमेशा ढके रहते हैं। उनके चरणों के दर्शन के लिए अच्छे कर्म करने होंगे, क्योंकि उनके चरण कमल अत्यंत दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण हमेशा उनके चरणों को अपने हृदय के पास रखते हैं। श्री कृष्ण जिनकी पूजा पूरी ब्रह्मांड करती है, वे भी उनके चरणों की पूजा करते हैं। उनके चरण बहुत दुर्लभ हैं और कोई भी उन्हें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए वे हमेशा उनके चरण राधा अष्टमी पर या जन्माष्टमी के दिन खोला रखा जाता है। अच्छा, क्या आपकी दाहिनी आंख आपकी बाई आंख की नियंत्रक है, या क्या आपकी बाई आंख आपकी दाहिनी आंख की नियंत्रक है? यदि आप एक भी खो देते हैं तो आपकी दृष्टि महत्वपूर्ण रूप से बदल जाएगी, उतनी संपूर्ण नहीं रहेगी जितनी पहले थी। लेकिन जब आपके पास दोनों आंखें हों तो आपकी दृष्टि संपूर्ण और सामान्य होती है। वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण और मां राधिका हैं। कोई किसी का नियता नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो आंखें जो पूर्ण दृष्टि बनाती हैं। प्रेम में कोई अधीनता या नियंत्रण नहीं है, इसलिए इस दृष्टि से छुटकारा पाएं कि श्री कृष्ण मां राधिका के नियंत्रक हैं। अब दूसरे भाग पर आते हैं। वह मां राधिका के पैर को छूते हैं। यह प्रभु और मां का प्रेम और लीला है। नारायण और महालक्ष्मी के रूप में प्रभु हमेशा मां महालक्ष्मी के चरणों को लाख से सजाते हैं। वहीं वह प्रभु नारायण के पैरों के पास बैठकर उन्हें भी ऐसा ही है। इसमें कोई हीनता या श्रेष्ठता नहीं है। सच्चा प्यार एक दूसरे को आधा हिस्सा होना चाहिए। अगर माँ प्रभु के पैर दबा सकती है तो प्रभु को माँ के पैर परोसने में क्या परेशानी। मैं जो कुछ भी देखता हूँ वह प्रचुर मात्रा में चंचलता और प्रेम में जो ब्रह्मांड के हर अर्थ में परिपूर्ण है। राधा माँ पर किसी का वश नहीं चलता। वह स्त्री कृष्णा है और पूर्णतः स्वतंत्र है। उनके सबसे प्यारे कान्हा सखियां और भक्त ही उन्हें प्रेम से बांधते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि वह कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। वह राधा रानी के पैर छूते हैं क्योंकि राधा रानी उनकी सबसे प्रिय पत्नी है और वह उनसे बहुत प्यार करते हैं। यह उनकी लीला ही है, वह भी आध्यात्मिक लीला। उनमें कोई अंतर नहीं है, वह कृष्ण की शक्ति है। हम सोचते हैं कि भगवान केवल कृष्ण या नारायण या राम है, लेकिन यह सच नहीं है। सच कहूं तो वे अपनी ऊर्जा अपनी दिव्य सहचरियों जो दिव्य स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं के बिना श्री राधा के चरण जो सभी का अंतिम लक्ष्य है, जिन्हें श्री कृष्ण की छाती पर रखा गया है और अन्य देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। मैं एक साधारण मनुष्य उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? श्री राधा के चरण कमल भक्तों के आश्रय, अमृत का घर, करोड़ों गोपी द्वारा सेवित और सबसे बड़े देवताओं द्वारा भी अप्राप्य है।
एक साधारण मनुष्य उनका वर्णन कैसे कर सकता है। श्री राधा के चरण कमल, जिनकी चरण धूल गोविंदा के माथे पर लगाई जाती है, जो अत्यंत सुंदर, नाजुक और कोमल है, जो संतों द्वारा पूजनीय है, मैं पतित आत्मा उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। श्री राधा के चरण कमल जो पृथ्वी को पवित्र बनाते हैं, जो रत्नों और फूलों से सुशोभित हैं, जो सभी शास्त्रों का सार हैं, जिस सत्य का वर्णन करने में ब्रह्मदेव भी असमर्थ थे, यहाँ तक कि जनार्दन भी समझने में असमर्थ थे, मैं पापी दुष्ट उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। बाएं पैर के अंगूठे के नीचे एक जौ का दाना और एक चक्र है। मुख्य पैर के अंगूठे और दूसरे पैर के अंगूठे के बीच मध्य बिंदु से शुरू होकर पैर की आधी लंबाई तक जारी रहने पर ऊपर की ओर एक चमकदार रेखा है। मध्य पैर के अंगूठे के नीचे कमल ध्वज फूल और एक टहनी है। छोटे पैर के अंगूठे के नीचे एक हाथी का अंकुश है। डिस्क के नीचे एक छाता है। आप ही मेरे एकमात्र शासक और एकमात्र आश्रय है। व्रज की असंख्य गोपियां अपने चरण कमलों के चारों ओर झुंड बनाकर आती हैं और पूरे मन से उनकी पूजा करती हैं। आपके चरण कमल सार्वभौमिक प्रेम की सर्वोत्कृष्टता का अटूट स्रोत है और महान संतों के लिए अकल्पनीय है। शायद यही कारण है कि महान भक्त आपके चरण कमलों से बहने वाली कृपा की मिठास और सुंदरता को पाने के लिए लगातार बढ़ते साहस और आशा के साथ प्रयास कर रहे हैं। हे रानी, क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि मुझे आपके चरण कमलों की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने सिर्फ यह बात साबित करने के लिए किया था कि वृंदावन की गोपियां सच्ची भक्त हैं। यदि नारद किसी से कृष्ण के माथे पर लगाने के लिए अपने पैरों की धूल मांगेंगे तो कोई भी इस अपराध का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन वे गोपियों से मांगेंगे तो किसी भी श्राप की परवाह नहीं करेंगी, बल्कि वे तुरंत दे देंगी, क्योंकि वे अपने प्रिय कृष्ण को नहीं देख सकती दर्द में। मैंने कहीं पढ़ा है कि उनके कमल चरण केवल एक ही दिन दिखाए जाते हैं, जब वह गोपा के रूप में तैयार होती हैं। मुझे लगता है यह गोपाष्टमी है, निश्चिंत ही। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो पर। तब तक बने रहिएगा वीडियो पर। सभी को राधे राधे। जय जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।